राधिका खेड़ा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें न्याय नहीं मिला तो लगातार अपमानित हुई। उनके अपमान से छत्तीसगढ़ का सर शर्म से झुक गया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने राधिका के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा को लेकर कहा कि हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है। जो राष्ट्र को प्रेम करता है उसका बीजेपी में स्वागत है। इसके साथ ही अजय चंद्राकर तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, भाजपा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। ऐसा है कि कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं थी कि उनको न्याय की और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्यवाही हो। वो दोषियों के पक्ष में खड़े थे इसलिए उनको मजबूरन में भाजपा की ओर अनेक कदम उठाना पड़ा। सब ऐसी जगहों में जा रहे हैं जहाँ ठोस भारत का निर्माण होगा, भविष्य के भारत का निर्माण होगा और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है, जो राष्ट्र को प्रेम करता है ऐसे हर व्यक्ति का बीजेपी में स्वागत है। पूरी तरह से आश्वस्त है और दूसरे राउंड के जो 7 सीटें हैं सातों में भाजपा के पक्ष प्रचंड लगा प्रचंड थोड़ी बहुत भी नहीं। कांग्रेस चुनाव लड़ने की औपचारिकता करती है।